Lost in the echo of words unspoken, tears in the silence, broken and fleeting. Why do the ones we need bring us pain? Love I gave freely, now just a strain. I lose myself while searching for your light. Someone else can't make these wrongs feel right. Lost in the echo of words unspoken, tears in the silence, broken and fleeting. Why do the ones we need bring us pain? Love I gave freely, now just a strain. I lose myself while searching for your light. Someone else can't make these wrongs feel right. Lost in the echo of words unspoken, tears in the silence, broken and fleeting. Why do the ones we need bring us pain? Love I gave freely, now just a strain. I lose myself while searching for your light. Someone else can't make these wrongs feel right. सबसे पहले मैं हैप्पी राय की तरफ से आप सभी को नमस्कार, और मैं चाहूंगी कि आज मेरा बर्थडे है तो जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं मुझे आशीर्वाद दें, क्योंकि बगैर आशीर्वाद के कुछ नहीं हो सकता। तो हैप्पी बर्थडे टू मी। हैप्पी बर्थडे टू यू। लोग बर्थडे मनाते हैं सबसे पहले हैप्पी बोलते हैं जी, तो ये अपने लिए कितना एक प्राउडली मोमेंट मानते हैं। एक्चुअली जो मेरा नाम हैप्पी है, सो मैं इसलिए हैप्पी हूँ क्योंकि बचपन में मैं हमेशा हंसती रहती थी और अभी भी मैं हंसती रहती हूँ। कोई भी पल हो, कैसा भी माहौल हो, मुझे ऑल टाइम मैं हंसती रहती हूँ, क्योंकि किसी भी चीज़ को ज़्यादा सीरियस लेकर और ज़्यादा दुखी होकर कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि एंड ऑफ द डे वही होता है जो ऊपर वाला चाहता है। सो मेरी मम्मी ने मेरा नाम हैप्पी रखा। वैसे मेरा आईडी नेम तो दिव्या प्रधान है, बट हैप्पी मेरा सबसे पहले नाम है, निक नेम। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा नाम बहुत जल्दी सबको याद भी हो जाता है और किसी को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हैप्पी के जाने से पहले लोग हैप्पी को जानते हैं। दोस्तों ने बहुत ब्लेसिंग दी, माँ ने भी दिया, मतलब माँ के बारे में, फ्रेंड के बारे में क्या कहते हैं, जो आए उनको अपने तौर पे
एक्चुअली मैं संजय भूषण पटियाला जी जो हमारे पीआर हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के, उन्होंने एक बार हमारा पीआर किया था बर्थडे का, और सारे हमारे मीडिया वाले आए हुए थे। मुझे लगता है लगभग 2016 या 17 में सब लोग आए थे नोवेटल होटल में, जुहू में, जो हमारा अभी भी वीडियोस पड़ा हुआ है यूट्यूब पे। तो वही मेरा एक बर्थडे था जिसमें मैंने सारे न्यूज़ वाले और जितने हमारे मीडिया वाले लोग हैं सबको बुलाई थी। वैसे मैं बर्थडे तो हमेशा अच्छे से ही मनाती हूँ, बट ये बर्थडे फिर से मैंने उन यादों को ताज़ा करने के लिए मनाया है, बिकॉज 7-8 साल पहले मैं बहुत अच्छे से बर्थडे मनाई थी, वैसा बर्थडे कभी मना नहीं, और मुझे लगता है कि आज मैं फिर वैसा मनाने की कोशिश कर रही हूँ। शायद वैसा ना हो लेकिन उससे बेहतर करने की मैं कोशिश कर रही हूँ। और जी कितना चिल करने वाली हो फ्रेंड्स के साथ में भी, यहाँ के बाद भी कहीं और पार्टी है? पार्टी तो बहुत है एक्चुअली, मेरा बर्थडे से 5 दिन पहले भी पार्टी होता है, 5 दिन बाद भी पार्टी होता है, सो मेरा 1 मंथ पार्टी ही पार्टी रहता है बर्थडे का। बट इस बार मैंने एक चीज सोचा है, क्योंकि अब तक मैंने हर टाइप के बर्थडे पार्टी मनाई है, इधर गए उधर गए सब किया, बट मुझे इस बार मैंने बहुत ज्यादा लोगों को इन्विटेशन भी नहीं दिया है, बिकॉज बहुत पहले जब मेरा बर्थडे था तो मैं उन सभी लोगों को बुलाई थी जिनको मैं नहीं जानती थी, वो भी आए हुए थे, जिनको जानती थी वो तो आए ही थे। बट कैसा हुआ कि मुझे कुछ थोड़ा सा फील हुआ इतने सालों में कि बर्थडे खुशियों में तो हर कोई आ जाता है, जो दुख में आए वही असली अपना दोस्त होता है, तो मुझे लगता है उनको ही बर्थडे में इन्विटेशन देना चाहिए जो आपके साथ दुख और सुख दोनों में है। तो मुझे आज खुशी है कि मेरे बर्थडे में जितने लोग भी आए हैं मेरा हमेशा मेरे दुख में भी खड़े होते हैं, और इसलिए मेरे आज खुशी में भी खड़े हैं। तो नेक्स्ट बर्थडे तक कुछ धमाका होगा, कुछ अलग? नहीं, दुखी तो नहीं रहते हैं, और सबसे फर्स्ट थिंग ये, हाँ मैं दुखी नहीं रहती, मैं दुखी कर देती हूँ जब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई दुखी कर रहा है तो। देखिए मैं आप जो मैं खामोश इसलिए हूँ कि शेर जब बड़ा शिकार करता है तो खामोश रहता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मेरे को समझ में आ जाएगा मुझे क्या करना है तभी मैं कुछ करूंगी, क्योंकि दुनिया भर के सिंगर है, दुनिया भर के एक्टर है, सब घूमते ही रहते हैं, बट कोई स्टार बनता नहीं है ना, तो स्टार बनने के लिए थोड़ा पेशेंस की भी जरूरत पड़ती है। और जिंदगी में मुझे ऐसा लगता है सपने तो हर कोई देखता है, जैसे मैं अपना सपना लेकर मुंबई आ गई कि मुझे भी एक्ट्रेस बनना है, सिंगर बनना है, बट कंपटीशन बहुत भारी होता है क्योंकि हमारे जैसे करोड़ों लोग यहाँ पे मुंबई में रोज आते हैं और रोज चले जाते हैं, बट यहाँ माँ मुंबा देवी की जगह पर, बाबा सिद्धि विनायक की जगह पर मुंबई में 8-10 सालों से टिकी हुई हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है बिना हासिल के मैं यहाँ से वापस जाने वाली नहीं हूँ। वापस तो क्या, मैं यहीं बसने ही वाली हूँ, क्योंकि मुझे मुंबई के अलावा देश विदेश, मेरा घर बनारस, जबकि मैं खुद काशी की रहने वाली हूँ, तो मुझे ऐसा पसंद है कि मैं सिर्फ मुंबई को बहुत पसंद करती हूँ, और आई लव मुंबई, बिकॉज भले ही मेरी जन्मभूमि बनारस, गाजीपुर, सुखपुरा, उत्तर प्रदेश है, बट मुझे कर्मभूमि के हिसाब से मुंबई बहुत पसंद है, क्योंकि मुंबई शहर ऐसा है कि हर किसी को कुछ ना कुछ दे के ही भेजता है, जो भी यहाँ पे आया है अपनी जिंदगी में। मुंबई की एक खासियत है कि यहाँ कोई भूखे नहीं मरता, आप अपनी जिंदगी में कितने भी परेशान हो, कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में आप यहाँ आ जाओ, मुंबई नगरी आपको एक्सेप्ट कर लेती है और आपको वो सब सुख देती है जो आप चाहते हो। एक्चुअली जो मेरे फ्रेंड्स आए हैं ये मेरे 10 सालों से फ्रेंड्स हैं ये सारे लोग, तो मेरे इस बर्थडे में वही आए हैं जो मेरे पुराने फ्रेंड हैं, मैं उनको इन्विटेशन भी नहीं दी हूँ, जो मेरे लिए अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और दिखाते हैं। सो मैं खुल के बोल रही हूँ, ऐसा कोई बोलता नहीं है, क्योंकि बहुत पहले जब मैंने बर्थडे मनाया था तो काफी सारे सेलिब्रिटी भी आए थे, काफी नाम वाले भी लोग भी आए थे, बट उन्होंने ये मूवी अभी भी नाम वाले ही हैं, बट नहीं वो भी नाम वाले ही थे, बट ये मूवी वो मूवी ये गाना वो गाना, मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को वही बोलना चाहिए जो वो कर सकता है, ज्यादा भाषणबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बोलने से कुछ होता नहीं है, करके दिखाओ। नहीं नहीं मैं वो सीन ऐसा है कि अगर मैंने किसी मूवी के लिए मुझे कोई आके बोलता है आप इस मूवी में, जब मैं उस मूवी में हूँ ही नहीं, तो मेरा नाम लेने की कोई मीडिया के सामने जरूरत है नहीं किसी को। और रही बात भोजपुरी इंडस्ट्री की, तो मैं भोजपुरी इंडस्ट्री से ही मुंबई में आई हूँ, और मैं ट्राई करती हूँ कि मैं हिंदी में भी अच्छा करूँ, क्योंकि मुझे भोजपुरी तो पसंद है ही और भोजपुरी तो मुझे आती ही है, बट मुझे हिंदी में अपना करियर बनाना है, तो मैं उसके लिए काफी मेहनत कर रही हूँ, इसलिए काफी टाइम से मैं भोजपुरी में गाने भी नहीं गा रही हूँ। आपका इंडस्ट्री में इतना नाम है, आपने भोजपुरी में इतना सारा काम किया है, आपकी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, तो उन फैंस के लिए क्या कहना चाहती हैं? मोबाइल बंद करिए प्लीज। एक्चुअली भोजपुरी दीजिए, मेरे को फोन दे दीजिए। भोजपुरी भी अच्छे होते हैं इंसान। हाँ मैं बताती हूँ, इंडस्ट्री होती है
नहीं भोजपुरी तो है ही अच्छा मेरे लिए, भोजपुरी के बाद ही कुछ भी है, क्योंकि भोजपुरी हमारी मिट्टी है ना, तो भोजपुरी सच में हमारी मिट्टी है। और मैं जब मुंबई यहाँ आई थी तो मैं काफी जगह बैठती थी, जैसे कि सबसे पहले मैं आई तो लोखंडवाला में ही बैठी, तो मैंने देखा कि भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। फिर कुछ टाइम बाद रहने के बाद सब लोग मिलने लगे, तो मैं बैठती थी तो कोई बोलता था मुझे कि अरे वो तुम्हारा निरहुआ, वो तुम्हारा मनोज तिवारी, क्या है ये है वो है, तो मुझे बहुत थोड़ा बुरा लगता था। लेकिन बाद में अब समझ में आया मेरे को कि जिस चीज से आपको खुशी मिलती है, जो चीज आपकी है ना, उससे खुलेआम बोल सकते हो कि आप किस चीज से बिलोंग करते हो, कहाँ के रहने वाले हो, हम क्या थे, वो बोलने में हमें बिल्कुल शर्माना नहीं चाहिए। तो भोजपुरी कोई शर्मिंदगी वाली चीज नहीं है, भोजपुरी का परचम देश विदेश में लहरा रहा है। बिल्कुल ये बात आपने सही कही, लेकिन इस बात को आप कही क्यों, आप सिर्फ ये बताएं, जब आप माइक पकड़ती है और हजारों लोग दीवाने हो जाते हैं, जब आप शोज करती है, क्या राज है उसका? अच्छा वो मैं माइक पकड़ती हूँ दीवाने हो जाते हैं, उसका राज बहुत कुछ है। एक्चुअली मैंने अभी तक जितने भी लाइव शोज इवेंट होते हैं, मैंने उसमें ही अपना सब कुछ किया है। यूट्यूब पे जितने भी करोड़ों मिलियन में व्यू गए हैं मेरी भोजपुरी के ही गए हैं अभी तक, और लाइव शोज के गए हैं, लोगों के म्यूजिक वीडियो अलम के जाते हैं, मेरे लाइव शो के गए हैं, तो मैं थैंक्सफुल हूँ। भोजपुरी को सब लोग पसंद करते हैं, भोजपुरी कहाँ नहीं है, सभी लगा है, तो वो आप छोड़ दीजिए, आप जिस भाषा में भी काम करते हैं, सिनेमा सिर्फ सिनेमा होता है, इंडिया के बाहर भी भोजपुरी बोलती है, वर्ल्ड में तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे यहाँ पर सभी तरह के कलरफुल फूल है। आप ये आपकी अच्छाई है, क्या राज है उसका, क्या राज है जो हजारों माइक पकड़ के बोलती है, गौरी शंकर बोलती है, जो भी बोलती है, और लाखों लोग दीवाने हो जाते हैं। एक्चुअली ये मुझे ना, जब मैं म्यूजिक नहीं भी सीखी थी तब भी मुझे गॉड गिफ्ट था, क्योंकि मैं, मेरा जो कॉन्फिडेंस है, जब मैं पब्लिक के सामने जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है हर इंसान में मुझे अपने जैसा सब कुछ दिखाई देता है, तो मैं एक सेकंड के अंदर माइक पकड़ते ही मैं हर किसी को अपना बना लेती हूँ, क्योंकि मैं उनको ऐसा फील कराती हूँ कि मैं आपकी अपनी हूँ, और उनको भी ऐसा लगता है कि मैं उनकी अपनी हूँ। सो मुझे बहुत अच्छे से इंजॉय कर पाते हैं, दो तीन घंटे जितने देर भी पब्लिक हमें सुनती है, हमें झेल लेती है। भोजपुरी में कुछ आने वाला है आपका, कुछ एल्बम वगैरह? भोजपुरी में मेरे बहुत सारे एल्बम है ऑलरेडी, मतलब 30-40 एल्बम तो होगा ही, ठीक है। सबसे पहले 2015 में मेरा एक गाना आया था वेब कंपनी से, हैप्पी हैप्पी नवरात्र, जिसके अंदर 9 गाने थे। उसके बाद उसी कंपनी से मेरा उसी टाइम 2015 में ही गाना गाया आया हुआ था बियर बार, जिसमें मेरे 10 गाने थे। उसके बाद इस टाइम अभी मैंने एक गाना बनाया हुआ है कि लबों पे तेरा नाम, हिंदी गाना है, जिसमें हमारे एक सिंगर है हितेश पंघनिया जी जो राजस्थान के रहने वाले हैं, और मैं आपकी हैप्पी राय जो यूपी की रहने वाली हूँ। बहुत अच्छा गाना है, हिंदी गाना, तो आपको सुनने को मिलेगा। देन ये प्लेटफॉर्म कोई भी हो सकता है, अभी हमने डिसाइड नहीं किया हुआ है, लेकिन गाना बहुत ही बेहतरीन है। एल्बम का नाम है लबों पे तेरा नाम। एंड सेकेंड सॉन्ग मेरा था अभी जस्ट बारिश में मैं रिलीज करने वाली थी, जिसका नाम था बारिश की बूंदें। तो जब वो गाना रिलीज होने वाला था तो मेरी मम्मी का थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था, उसकी वजह से मैंने गाना को पोस्टपोन किया, तो मैं नेक्स्ट बारिश में उसको रिलीज करूंगी। सोलो है आपके ऊपर या कोई? जी बिल्कुल सोलो, हिंदी सॉन्ग है और बिल्कुल सोलो सॉन्ग है। और अभी जस्ट मेरे लिए सबसे अच्छी खुशखबरी ये है कि मैं सबसे फर्स्ट, मेरा पासपोर्ट बना था 2015 में, मैं थाईलैंड बैंकॉक में गई थी जो विष्णु टेम्पल है, 9 दिन के प्रोग्राम करने के लिए जागरण का। तो सेम वही प्रोग्राम आज ही मेरा जस्ट टिकट आया हुआ है, आज मेरा मतलब बर्थडे भी है और आज ही मुझे जस्ट बैंकॉक के लिए टिकट आया है, पेमेंट भी आया है, तो मैं बहुत खुश हूँ काफी टाइम बाद कि मैं फिर से बैंकॉक थाईलैंड जा रही हूँ। जी गिफ्ट ही है माता रानी का, क्योंकि माता रानी के दरबार में हाजिरी लगाने का सबको मौका नहीं मिलता है, और 9 दिन का तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि मैं बैंकॉक जा रही हूँ, मैं अगर किसी को बताऊं कि मैं क्यों जा रही हूँ, तो जिस हिसाब से थाईलैंड का नाम है उस हिसाब से सब लोग बोलते हैं कि हमें तो नहीं लगता, फिर हमें प्रूफ देना पड़ता है बैंकॉक के लिए। लेकिन मैं वहां जाकर सबको लाइव दिखाऊंगी कि नवरात्रि के प्रोग्राम का थाईलैंड में भी कैसे परचम लहरा रहा है। मतलब वहां पे हिंदू मंदिर बहुत सारा है, थाईलैंड बैंकॉक में बहुत सारा मंदिर है, जिसमें से एक विष्णु मंदिर है, और मैं माँ दुर्गा मंदिर में मैं जा रही हूँ, जहाँ का फोटोज भी मैं आपको सोशल मीडिया पर शेयर करूंगी, और उसके बाद एक गाना भी मेरा आ रहा है माता रानी का। आपके इतने सारे सोशल मीडिया पे अकाउंट है आपके नाम से बना के रखे हुए, लोगों को ये नहीं पता है कि असली अकाउंट कौन सा है? एक्चुअली कैसा हुआ कि मैं कभी बाहर रहती हूँ, कभी इधर रहती हूँ, मेरी भी थोड़ी सी कमियां हैं, क्योंकि मैं थोड़ा कटअप भी रहती हूँ, कभी आ जाती हूँ। सो मैं अभी ये गलती कभी नहीं करूंगी, आई एम सो सॉरी जितने भी मेरे फैंस हैं,
क्योंकि मेरी एक आईडी है नहीं, मैं हमेशा अलग अलग उल्टा सीधा करती रहती हूँ, अभी बिल्कुल गलती होगी नहीं, लेकिन नेक्स्ट मंथ से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, जिसमें सिर्फ एक ही आईडी आपको मिलेगी और समझ में आ जाएगा कि मेरी कौन सी आईडी है। और मेरा जो गाना आने वाला है नवरात्रि का, ठीक 3 दिन बाद रिलीज होएगा, वो गाना मैं सुनाऊंगी। मैया मेरी जिंदगी भी सवार दे मैया, एक बार फिर तू कलयुग में अवतार ले मैया, ओ मेरी शारदे मैया मेरी, मतलब ये गाना मैंने मेरे लिए ही गाया है कि मेरी जिंदगी भी सवार दे मैया, मेरी जिंदगी भी सवार दे मैया, मझधार में हूँ अटकी मुझे तार दे मैया, ओ मेरी शारदे मैया। जय शारदे माँ। और ये गाना स्पेशल शारदे माँ के लिए, जो मैहर वाली माता है हमारी। लास्टली आपने कहीं ना कहीं के गाने में जो है ना वो भगवान का रूप नजर आने लगता है, ऐसा कोई आइटम सॉन्ग या इस तरह का कुछ विचार किया है? एक्चुअली मैं सच बताऊं, मैं हमेशा आइटम सॉन्ग चाहे कुछ अलग अलग गाने की कोशिश तो बहुत करती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बार बार भक्ति में चली जाती हूँ। मैं जो भी गाती हूँ भक्ति जैसा हो जाता है थोड़ा सा, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं ऐसा भी गाना गाऊं, क्योंकि मैंने अभी तक गाया नहीं है, 2-3 गाए होंगे गलती से, लेकिन मेरे ज्यादातर प्रोग्राम जो होते हैं नवरात्रि के होते हैं, कोई मतलब तीर्थस्थल पे हो रहा है, हरिद्वार में हो रहा है, जैसे कि अभी जस्ट प्रयागराज में कुंभ लगने वाला है, तो कुंभ में भी मेरा प्रोग्राम होने वाला है इलाहाबाद में, तो आप सब लोगों को देखने को वहां पर जरूर मिलूंगी। और थाईलैंड जो बैंकॉक का हमारा प्रोग्राम है, 9 दिन आप सबको मेरे फेसबुक पे लाइव देखने को मिलेगा और यूट्यूब चैनल पे भी मिलेगा। थैंक यू सो मच। शुभकामनाएं ऐसी है कि मैं हैप्पी को बहुत टाइम से जानता हूँ, बहुत मेहनती लड़की है और हमेशा कुछ ना कुछ नया और अच्छा करती रहती है, और इस बार भी ये बहुत धमाके कर रही है, तो मेरी बेस्ट विशेष है इसके साथ में कि ये जितने भी इसके गाने आ रहे हैं, जितना भी इसका काम आ रहा है, आप लोग इसको देखते आए हैं तो और देखें और सराहें हैं और सबको फॉरवर्ड करें और इसे बहुत सारा प्यार दें। ये एक बहुत अच्छी लड़की है, दिल से मन से जो खूबसूरत भगवान के रंग में रंगी हुई है, मैंने कई बार देखा है इसको भगवा पहनते हुए, तो इसको इसके जीवन में भगवान श्री राम एक ऐसा और सारे लोग एक ऐसा सूरज उगा जिसके लिए ये यहाँ आई है और बहुत मेहनत कर रही है, और मेरी आज इसके लिए बेस्ट विशेष यही है। थैंक यू सो मच विक्की जी। विक्की जी के लिए मुझे एक बात बोलना है, ये विक्की हड्डा जी राजस्थान के रहने वाले हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, वहाँ के बहुत फेमस एक्टर हैं और मुंबई में रहते हैं, मुंबई में भी इनका बहुत अच्छा नाम है और आपने अवार्ड शो भी कराया था काफ़ी अच्छा वाला, तो ये भी कुछ ना कुछ अच्छा करते रहते हैं। इनके लिए मुझे एक चीज़ कहना था कि विक्की जी मेरे ऐसे फ्रेंड हैं कि जब मैं फर्स्ट टाइम मुंबई आई हुई थी और मेरा बर्थडे था, मुझे यहाँ मुंबई में मुझे लगता है कोई नहीं जानता होगा, और 4-5 दिन पहले ही पता नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरा बर्थडे इनको पता भी होगा, मैं मेरी मम्मी मेरी सिस्टर सब हम लोग घर में थे और मुझे आइडिया भी नहीं था कि कोई हमारा बर्थडे के दिन केक लेके हमारे दरवाजे पे आ सकता है, और भी ऐसा फ्रेंड जो हमें बहुत कम टाइम से तुरंत जानता हो, और सबसे बड़ी बात कि मेरा बर्थडे इनको कैसे पता है, तो थैंक यू सो मच आपको, और ये चीज़ मुझे हमेशा याद रहेगी, मैं जब तक जिंदा रहूँगी। ये एक अंदर की अलग बात है, एक फ्रेंड ने मुझे बताया था उसका बर्थडे उसे अच्छा लगेगा, यूपी से मुझे बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के कॉल आए थे कि एक स्टार है हैप्पी राय जो आपके मुंबई में आ रही है, तो ओह माय गॉड, आपका बनता है उसके साथ। शुभ शुभ बहुत बहुत यार, भी सच बोल रहा हूँ, कितना सच है ये तो पुरानी बात है। थैंक यू जी विक्की जी। कामनाएं ये है कि ऐसी तरक्की करते रहें और हम लोग को बुक इनवाइट करते रहें, और बाकी जो प्रोजेक्ट के बारे में है उनके साथ मेरा गाना भी आ चुका है और गाने का नाम था ये दिल सुफियाना, बहुत उस गाने का अच्छे रिव्यू भी आया और उस गाने की वजह से बहुत सारे काम मिले मुझे, और मैं हैप्पी एंड दिव्या का शुक्रिया अदा करना चाहूँ उस गाने का हिस्सा बनी, क्योंकि ये गाना मतलब कहीं ना कहीं से ना कुछ वो अटक रहा था, कहीं ना कहीं से कुछ नहीं हो पा रहा था, लेकिन अचानक सडनली एक बार इन्होंने बोला कि नहीं कुछ करते हैं, लॉकडाउन भी था तो वो एक प्रोजेक्ट आया, उसके बाद फिर धीरे धीरे 2-3 प्रोजेक्ट भी आए,
और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बहुत सारे लोग भी हैं जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, और दो तीन प्रोजेक्ट हम लोग और साथ में कर रहे हैं। जी बिल्कुल, शिव बहुत अच्छे सिंगर हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है कि शिव जो हैं, शिव शरण जायसवाल जी जो हैं, ये हमारे, जैसे मैं उत्तर प्रदेश गाजीपुर की रहने वाली हूँ, तो ये ऑलरेडी हमारे गाजीपुर जिले से हैं, तो मुझे नहीं पता था, वो ये गाना करने की बात पता चला क्योंकि इनकी मम्मी बहुत प्यारी है, मुझे मिली हूँ, फिर मुझे उनसे भोजपुरी में बात करने का मौका भी मिला, बहुत अच्छा लगा। तो गाने का नाम है ये दिल सूफियाना, और जिसमें एक्चुअली मेरे जितने भी दोस्त लोग हैं, तो जैसे मैं, मेरा नाम हैप्पी राय, सब तक बचपन से ही काम करती आ रही हूँ क्योंकि मेरा निकनेम है, लेकिन सब लोगों ने यही बोला है कि मैं, चुनाव भी लड़ी हुई थी अपने गाजीपुर जिले से 2013 में, मैं अपने कॉलेज से छात्र संघ का चुनाव लड़ी थी, तो मेरा उसमें नाम दिव्या प्रधान, मतलब मेरा आईडी नेम ही था, पोस्ट में हैप्पी राय लिखा था। तो मैं अभी जो गाने जितने भी आएंगे मेरे, मैं जो भी करूंगी, मेरा दिव्या प्रधान से ही आने वाला है सब कुछ। ये जी यार, मेरा पहला गाना। सो थैंक यू, नमस्कार आप सबको, सबसे पहले मेरी तरफ से, और बर्थडे पे क्या विशेष देना, दिव्या प्रधान जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत जन्म की शुभकामनाएं, राय जी को, और ऐसे ही तरक्की करें, आगे बढ़े। आपकी अगर बात करें, एक्शन डायरेक्टर हैं आप, और क्या चल रहा है फ्यूचर में आपका? एक्चुअली मैं मुंबई में हूँ काफी टाइम से, बट मैंने एक्शन के अलावा कभी कुछ सोचा नहीं किया, चलो मेरी जो लाइफ है, मैं एक्शन परफॉर्मर फिल्मों में काम करता, काफी हिंदी फिल्म करी है मैंने, इनसे जब मिला तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि यार आप एज एक्टर तो काम नहीं कर रहे, तो थोड़ा सा मोटिवेट उन्होंने मुझे किया, उसके बाद उन्होंने मुझे एक गाने में लिया, और हम दोनों का एक एल्बम सॉन्ग आ रहा है बारिश की बूंदे। एक्चुअली ये हमारे जो फ्रेंड है, बहुत काफ़ी टाइम तो इनसे मिले हुए नहीं हुआ, बहुत जल्दी मिले हम, लेकिन बहुत अच्छा काम किया हम लोगों ने साथ में, जिसका नाम था, अभी जस्ट मैंने बताया था कि बारिश की बूंदे जो हमारे एल्बम का नाम है, और मुझे लगता है FX9 पे हमने शूट किया हुआ है, बहुत बेहतरीन शूटिंग हुआ, अब तक मैंने इतना अच्छा गाना शूट नहीं किया, इसमें बहुत ही खर्चा हुआ हमारा, लेकिन ये गाना बहुत सॉलिड है, जब सुनोगे आपको सच में, आपको मेरा एक अलग लुक मिलेगा जो आज तक मैंने किसी म्यूजिक वीडियो एल्बम में नहीं दिया हुआ है। तो ये गाना हमारा रिलीज नहीं हुआ बिकॉज मेरी मम्मी का बताया था कि एक्सीडेंट हो गया, जल्दी आप लोगों के बीच में गाना होगा। अगर आपकी बात करें, आप पर्दे के पीछे लोग आपको नहीं जानते, आपका कितना बड़ा योगदान रहता है, कुछ अपना मतलब इंट्रोडक्शन के साथ में आपने क्या क्या काम किया है, लेकिन पर्दे के पीछे हम लोग काफी मेहनत करते हैं। आपका नाम नहीं जानते? मेरा नाम दीप सिंह है, माफी चाहूंगा, और ये भी राजस्थान के ही रहने वाले हैं, हमारे विक्की हड़ा जी के आगे, और हैप्पी ने बहुत मोटिवेट किया मुझे कि चलो यार एक्टिंग करो, बाकी मैं तो जैसे मैं 1995 में इसका जन्म है, जब जन्म ली तो मैं क्या बोलूंगी, 1995 तो मैं क्या बोलूंगी, पूरा गांव वाले लोग बोले कि इसका दुर्गा का होता है, तो सच में दुर्गा का होता है। सबसे पहले मेरी मम्मी को आई लव यू सो मच, और ये है, ये मेरी बहन, ये हमारी तीन ही फैमिली है एक्चुअली, चौथा इसमें कोई भी नहीं है, नहीं नकली। ये मेरी असली बहन, ये बार बार पूछते रहते हैं लोग, तो मेरे को बहुत गुस्सा आ जाता है, असली सिस्टर असली नहीं लगती। तो ये मेरी मम्मी और ये मेरी बहन, ठीक है, तो बहन थोड़ी सी चंट टाइप की है मेरी, गुस्सा करेंगे, बैठो ना का चेयर दो ना सीट प्लीज। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूंगी, नहीं अभी तुम चुप रहो, हां पहले तो मैं अपनी दीदी को हैप्पी बर्थडे बोलती हूं, हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू बाबू, मैं तो हंसे बात बोलती हूं, और ये ना मेरे घर की मुखिया है, एक्चुअली मेरी मुखिया, मैं मुखिया नहीं हूँ मैं असली मुखिया गांव की बनना चाहती हूँ। नहीं, तुम घर की मुखिया, अच्छा, okay. गांव की मुखिया, ओके ओके। मैं सबसे पहले बताऊं कि मेरी मम्मी, जैसे कि भले ही थोड़ा फिल्म इंडस्ट्री से बाहर की है, बट जो ही कैमरा ऑन होता है, फोटो वोटो खींचने का होता है, मम्मी एकदम अच्छे से तैयार हो जाती है तुरंत पोज में, जन्म हमने दिया, तो बेटी कहीं ना कहीं बार हमने दिया, तो मैं अलग से भले ही देश विदेश की यात्रा करेंगी, लेकिन मैं संस्कार बदलने नहीं दूंगी, मेरा वादा है, जिस दिन संस्कार बदल देगी तो मैं अपने को साइड हाँ। अपनी मर्जी से जो भी करें,
आप खुश हैं तरक्की देख के? बहुत ज्यादा खुश हैं हम लोग, और बहुत तरक्की करें हम लोग ये चाहते हैं। मैं शुरू से इसको ही हमने ही आगे बढ़ाई है, जन्म से लेकर के मैं पढ़ाई लिखाई में हर चीज पीछे नहीं देख रहा, गाँव की तरफ नहीं देख, आगे जा रहे तो आगे जाओ, हमने ही गाजीपुर तक हमने ही इसको बढ़ावा दिया। एक्चुअली मैं बता दूं कि पहले भी मम्मी से मेरा एक वीडियो मिलेगा यूट्यूब पे आपको, जिसमें मेरी मम्मी पूरा अपने बारे में हमारे बारे में बताएगी। इसका बर्थडे मनाओ, गांव देहात में किसी का जन्मदिन नहीं मनाया जा रहा था, तो गांव के लोग बहुत लोग वहां इंतजार करते होंगे कि बर्थडे, माने मैं मनाती हूँ कि पूरा गाँव बदबद हो जाता है, इंतजार करता है कि आज हैप्पी को 24 तारीख को सितंबर को मिठाई मिलेगी। मतलब मैं मेरे गांव में नहीं हूँ तो मम्मी खुश नहीं है कि गांव वालों को बर्थडे पार्टी नहीं दिया है। हाँ। तो मैं बाद में दे दूंगा। करती हूँ। सबसे पहली बात ये है कि हमारे गांव में हमने एक मंदिर बनवाया है, हमने क्या बनाया है ऊपर वाले ने खुद बना लिया है, जिस मंदिर का नाम है शिव साई मंदिर, उस नाम से मैं ट्रस्ट भी बनाने वाली हूँ, और मैं हर साल भंडारा करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा एक ड्रीम है कि मैं 5 स्टेट में 5 मंदिर बनाऊँ शिव साई मंदिर के नाम से, जो एक मेरा बन चुका है, 4 में और बनाऊंगी अलग अलग स्टेट में। और मेरी मम्मी का जस्ट अभी कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया, तब मैंने तो सोचा कि मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई है, बट हम लोग ऊपर वाले के इतने करीब हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ना तो मेरे 1 रुपए खर्च हुए, ना ही तो हॉस्पिटल मुझे थोड़ी तकलीफ हुई। मतलब ऊपर वाले ने मतलब प्रूफ किया हॉस्पिटल में कि जो इंसान मरने की हालत में जाए और वो एक दिन में अच्छे से वापस आ जाए, तो ऊपर वाले से अच्छा कोई नहीं होता है। और मैं चाहती हूँ कि माँ से बड़ा दर्जा इस धरती पे किसी को नहीं दिया जा सकता, और माँ से ज्यादा प्यार कोई किसी को नहीं करता है, तो मैं सबसे पहले प्यार अपनी माँ और मेरी बहन को करती हूँ, उसके बाद ही कोई आता है फर्स्ट प्रायोरिटी। दूसरे को देख नजर में आता होगा कि हैप्पी आकर के इंडस्ट्री में ही ऐसे भाव में या जो भी पोजीशन है रहती होगी, लेकिन नहीं, ये जन्म से ही हाथ हथेली पर रही है और सबके दुलार प्यार में रही है। मेरा दुश्मन भी इसको कंधे पर लिया है, मतलब हर कोई मुझे प्यार करता है, तो मेरा नसीब अच्छा है और आप लोग भी करते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत खुश हूँ हैप्पी के लिए, हैप्पी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, सेकंड थिंग है मेरी फेवरेट है। ओह माय गॉड, आई लव यू, आई लव यू, वेरी जॉयफुल पर्सन, आई मजा आया, लाइक हर। यस यस, अभी नेक्स्ट पार्टी भी करेंगे हम लोग। यस यप। और ये हमारी, हेलो, मेरा नाम रुखसार है और हैप्पी को मैं 3 इयर्स से जानती हूँ, और ये मेरी सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑफ फ्रेंड है, इसके लिए मैं इतनी दूर से आई हूँ, और मैं चाहती हूँ ये हमेशा खुश रहे, ऐसे मुस्कुराते रहे, और बहुत 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 हैप्पी बर्थडे। एक्चुअली रुखसार के लिए मुझे एक लाइन बोलनी है कि रुखसार गोवा में मुझे मिली थी, हम लोग गोवा में फ्रेंड बने थे कसिनो में, हम लोग मस्त कसिनो खेलते थे और फ्रेंड बने हैं, तो स्पेशल ट्रीटमेंट दिया था, जबकि कसिनो में रुखसार ने गोल्ड क्वाइन जीती हुई थी खेलने पर, वो क्वाइन मुझे बर्थडे में गिफ्ट किया था, तो मुझे आज भी वो चीज याद है कि एक अजनबी लड़की अचानक मिलती है और मुझे गोल्ड का बिस्किट गिफ्ट करती है कसिनो में अपना जीता हुआ, तो इसके लिए मैं कभी नहीं बोल सकती ये बात, क्योंकि मैं सोच रही हूँ बिस्किट का मैं क्या ही करूँ, खा जाऊं या मैं इसका कुछ बना लूं। तो हमेशा ही मेरे लिए आती है, बहुत दूर से आती है, अपना सारा काम छोड़ के आती है, जबकि बहुत बिजी लड़की है और मुझे नहीं लगता कि हर किसी के लिए हर जगह जाएगी। नहीं, हैप्पी के लिए मैं हमेशा ऑलवेज आना ही चाहती हूँ, और yes. मैं किसी के लिए नहीं चाहती, बट वो मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ हैप्पी, इसलिए मैं हैप्पी के लिए हमेशा दिल से अपना yes. समझती हूँ। यस यस, थैंक यू सो मच, आई ऑलवेज विद यू, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि मैं इसकी सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड हूँ और हम लोग 6-7 साल से एक दूसरे को जानते हैं, बट जिस हैप्पी को मैं बाहर से जानती थी और लोग उसे बाहर से जानते हैं, अंदर से उसको सिर्फ कम लोग जानते हैं और मैं उनमें से एक हूँ, तो मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है। एंड शी इज द प्योरेस्ट सोल, जो बाहर से सब इसको बहुत सख्त लोंडी समझते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी एक घरेलू लड़की है और ये बहुत अच्छा खाना बनाती है, एंड शी इज माय क्लोजेस्ट फ्रेंड। हम दोनों का सोल कनेक्शन है ना मेरी। यस यस, एक्चुअली मीनल राजस्थान की रहने वाली है, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और शी इज वेरी गुड एक्टर। तो बात ऐसी है कुछ कि ये बहुत ही दूर रहती है हमसे, लेकिन जब भी हम बहुत दिन बाद भी मिलते हैं, ऐसा लगता है कि बस हम रोज ही मिलते हैं। हाँ। तो
हम कितने सालों से हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन हमारा बॉन्ड पहले इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था. बट एक वो होता है ना ट्वीन फ्लेम, जैसे टैरो कार्ड में होता है ट्वीन फ्लेम, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ना ट्वीन फ्लेम है, कि हमारा पिछले जन्म का कोई कनेक्शन है. yes. कि हम दोनों अंदर से एक जैसे हैं, मतलब बहुत yes. प्योर सोल है. और मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि ये बहुत ज्यादा प्योर सोल है, जिस yes. सस लॉन्डी लोगों के लिए है. yes. मामजी जी से बहुत कम है. लोग इसको जानते हैं. शी इज द वेरी डिफरेंट एंड ट्रीशियस पर्सन.